उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके सर्वोच्च भाग्य का अनुभव कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ जीवन और इस जीवन का श्रेष्ठ सर्वोत्तम मनुष्य योनि का उद्देश्य है कि भगवान की प्रेम और भक्ति प्राप्त करना। लेकिन अगर हम ध्यान से विचार करेंगे तो दिन के 24 घंटे में हम कितने बार इस जीवन के लक्ष्य के बारे में विचार करते हैं, थोड़ा हमें इस बात पर चिंतन करना होगा। सुबह के समय में भी कुछ समय हमारा चिंतन होता है कि हमें प्रेम भक्ति चाहिए, भगवान हमें प्रेम भक्ति चाहिए, उसमें भी मन भटक जाता है जब हाथ में माला है, भक्तों का संग है। एक बार माला हो गई, फिर रख दिया बाजू में, फिर ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, परिवार को संभालना है, किचन में जाना है, कपड़े धोने हैं, घर गृहस्थी का काम करना है। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है उसके विषय में हम इतना पर्याप्त मात्रा में ज्यादा चिंतन नहीं करते। चिंतन कैसे होना चाहिए, इसका एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण है। जब कोई कन्या किसी लड़के के प्रेम में पड़ती है, जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ता है, तो कैसे दिन रात सब कुछ करते हुए वो एक दूसरे का ही विचार करते रहते हैं। कैसे मिलना है, कैसे विवाह करना है, कैसे भाग जाना है, कैसे बातें करनी है, कैसे गुप्त रखना है उसको। कुछ भी करते समय, पढ़ाई करते समय, भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, जाते समय, आते समय, वो प्रिया प्रीतम के मन में केवल एक दूसरे का ही विचार निरंतर चलते रहता है। संत लोग कहते हैं कि वैसा निरंतर चिंतन अगर हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में होता है तो ही वो लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। तो प्रिया प्रीतम होते हैं वो दिन में केवल 2 घंटा एक दूसरे के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी स्वप्न में भी उसका ही चिंतन चलते रहता है। मन ही वसे ते स्वप्नी दिसे, जो मन में चल रहा है वही बाद में स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है। इतना इस विचार का प्रभाव है, इतना तेज विचार है वो, कि वो जागृत अवस्था को छेद कर फिर स्वप्न अवस्था में भी प्रवेश करता है, इतना वो तीव्र होता है। इसलिए हम आप सबको विनती करते हैं कि हम सब जप करने वाले साधक हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य के विषय में चिंतन जो है वो हमारे रोम रोम में घुस जाना चाहिए, कण कण में प्रवेश करना चाहिए, दिन भर मन में बसना चाहिए, रात को सपने में भी घुसना चाहिए कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, उनकी प्राप्ति कैसे होगी। नहीं तो हमारा क्या चलता है, ये धन यौवन पुत्र परिजन इते की आचे पर ती तीरे। हमारा चिंतन जो है वो ज्यादा तीव्रता से धन धन के विषय में चलता है। हमारा यौवन यानी हमारे सुख की सुविधा के बारे में चलता है, कैसे मैं सुख ले लूं। पुत्र परिजन, हमारे परिवार, पुत्र पति पत्नी बच्चे, इनमें उलझा रहता है। लेकिन गोविंद दास कहते हैं कि इनका विचार करके फाइनली क्या प्राप्त होने वाला है,
विचार करना गलत नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन उतना विचार करेंगे तीव्र तो अंतिम ये धन यौवन पुत्र परिजन सब छूटने वाला है। क्यों? कमल दल जल जीवन तलमल, क्योंकि जैसे कमल दल पे ऊपर दो बिंदु कुछ ही क्षणों के लिए टिकता है, फिर फिसल के जल में गिर जाता है, भूमि पर गिर जाता है, वैसे ये मनुष्य जीवन का दो बिंदु हाँ इस पृथ्वी के कमल दल से कब फिसलेगा और मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, यमलोक चला जाएगा, यम यम के नगरी में चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरि पद नीतिरे। इसलिए हे जीव, जो मनुष्य जीवन को प्राप्त कर चुका है, हे जीव आपको गोविंद के चरणों का ही ध्यान करना है, दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करना है। सबसे पहले जब बरसाने गया था, सबसे पहले तो परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज ने बताया था, जिनको जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उनको दिन रात भगवान के विषय में चिंतन करना होगा, उसको कहते हैं ध्यास, निधि ध्यास कहते हैं उसको। ये भगवान का निधि ध्यास जब तक नहीं होता है तब तक उनकी प्राप्ति असंभव है। मन में विचार कुछ और प्राप्ति होना भगवान का असंभव है। प्राप्त तो वही होगा जिसका ध्यास चलते रहता है, जिसका ध्यास हमने ले लिया है। तो आइए भजहु हरि पद नीति रे, कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। 16 माला 20 माला होने के बाद में माला जब बाजू में रखेंगे फिर भी भगवान का चिंतन बना रहे, फिर भी जीवन के लक्ष्य के विषय में विचार बना रहे, कब मिलेगा, कब प्राप्त होगा, कब मिलेगा, कब ठाकुर मिलेगा मुझे, कब कृष्ण मिलेगा, इसके बारे में चिंतन करते रहिए। वही चिंतन योग्यता ना होने के बाद भी हमें कृष्ण को मिलाएगा, क्योंकि भगवान आखिर में क्या देखते हैं, योग्यता को तो किसमें भी नहीं है, लेकिन भगवान देखते हैं कि कितना मुझे चाहते हैं आप, कितना मेरे बारे में आप व्याकुल हैं। उसी भावना पर फिर भगवान रीझ जाते हैं, हमें योग्य बना देते हैं, हमें स्वीकार करते हैं, अपने आप को हमें अर्पण कर देते हैं। तो आइए हमारे चिंतन का जो स्थिति है उसका विस्तार करें और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान आपका चिंतन दिन भर चलता रहे। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।